अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 6 बीडी हेड एंड नेक रीजन टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल रीजन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेम्पोरल फोसा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। सबसे हम स्टार्ट करते हैं टेम्पोरल फोसा की। तो आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो हमारे पास, ये है हमारे पास टेम्पोरल फोसा। तो फ्रंट में हमारे पास क्या है, फ्रंटल बोन का प्रोसेस और जैगोमेटिक प्रोसेस है। इन्फीली हमारे पास जैगोमेटिक आर्च है। पोस्टीरियली हमारे पास जो है वो हमारे पास इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है। स्पीली जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होगी, ठीक है। फिर जो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारा जो फ्लोर होगा वहाँ पे टेम्पोरेलिस मसल होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे ये देखो पैरेटल बोन का भी पार्ट आ रहा है। टेम्पोरल बोन भी है और फ्रंटल बोन भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो फ्रंटल बोन भी है, स्फेनॉइड ग्रेटर विंग भी आ रहा है, टेम्पोरल भी आ रहा है, पैरेटल भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी बोन डिजाइन। यहाँ पे देखो ये इसी तरह इंटीरियर क्या है, जैगमेटिक फ्रंटोलर बोन। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर क्या है, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है, सुपीरियर सुप्रामास्टॉइड क्रेस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन मैंने बता दिया पहले, पीछे मौजूद है। स्पीरियर स्पीरियर टेम्पोरल लाइन, इन्फीली जैगोमेटिक आर्च है, ठीक है। और हमारे पास फ्लोर में क्या है, फ्रंटेलस पैराइटल ऑक्सीपिटल ग्रेटर विंगस स्फेनॉइड ये है। और इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्पोरेलस मसल होता है, वो फ्लोर में भी है, उसके कोटेंट में भी है। आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे मिडल जो होती है टेम्पोरल आर्टरी होती है, जैगोमेटिक और टेम्पोरल आर्टरी और नर्व यहाँ पे होती है। जैगोमेटिक और टेम्पोरल नर्व हमने स्कैल्प में पढ़ी थी, वो देखा था ना, हम इसी जगह पे होती है, ठीक है। और हमारे पास डीप टेम्पोरल नर्व और आर्टरी यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। ये तीन इसके कंटेंट है। अब इंफ्रा टेम्पोरल की बात करें, इंफ्रा टेम्पोरल हमारे पास क्या होता है, अब जो है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के लिए आप डायग्राम देखिए। ये जो आपको खाली सी जगह आ रही नज़र आ रही है, वैसे तो टेरिगो मैंडिबुलर फिशर है, ठीक है। इसके जो थोड़ा सा अगर मैं आगे की तरफ जो हमारा साइड है, मतलब इसके पीछे नहीं जाए थोड़ा सा आगे, इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इसके सामने क्या है, इंटीरियरली मैगजिला है। इसके मिडली क्या है, पीछे की तरफ आपको ये जो नज़र आ रही है ना लेटर टेरिकॉइड प्रोसेस, ये इसके मिडली है दूसरी तरफ। और इसके ये जो लैटरी, इसको कोई भी दिखा नहीं सकता, वो इस तरह इसके मौजूद होगी, लैटरी बाहर की तरफ जो है, ठीक है। वो क्या होगी, यहाँ पे मैंडिबल होगी, ठीक है। और इसके जो हमारे पास रूफ है वो कौन बना रहा है, रूफ ये हमारे देखो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बना रही है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड इसकी रूफ छत बना रहा है, ठीक है। और लैटरी क्या है, मैंडिबल। इंटीरली मैगजिला, मिडिली हमारे पास क्या है, लेटर टेरिगॉइड प्रोसेस। यहाँ पे ये स्पेस जो है, यहाँ हमारे पास ये होती है इन्फ्रा टेम्पोरल फोसा। ये वैसे थोड़ा सा इन्फ्रा ये टेरिगो मैंडिबुलर फिशर होता है, थोड़ा इसके इधर होता है, ठीक है। अब ये देखो इंटीरियर पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ मैगजिला, रूफ इसकी होती है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, मीडियल साइड होती है लेटर टेरिगॉइड प्रोसेस, और लेटर होती है लेटर रेमस ऑफ द मैंडिबल। बिल्कुल आसान है। अब इसका कंटेंट जो है ये आपने याद कर लेने हैं, लैटरल टेरिकॉइड मसल होगा, मिडिल टेरिकॉइड मसल होगा, मैंडिबुलर नर्व और इसकी ब्रांचेज, मैगजरी नर्व और इसकी ब्रांचेज, ठीक है। कॉर्डा टेम्पेनाई होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड मैगजरी आर्टरी जो होती है पार्ट होती है यहाँ पे, पोस्टीरियर एल्वियोलर आर्टरी और अकम्पनाई में। ये इसका कंटेंट आपने याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मसल ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है। मेस्टिकेशन के मसल जो हमारे पास चार होते हैं, मैस्टर मसल होते हैं अगर ये इसका नाक है, इसकी मैंडिबल है, ये साइड व्यू मैंने दिखाया, ठीक है। ये इसका कहा, इसे मैस्टर मसल यहाँ पे मौजूद है, टेम्पोरेलस यहाँ पे टेम्पोरल रीजन से आके यहाँ पे एजर्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास मैस्टर मसल होता है, एक हमारे पास होता है टेम्पोरेलस मसल और मीडियल और लेटर टेरिगॉइड। मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे इमेजिन करके, यहाँ पे हमारा मैसेटर मसल होता है, ठीक है। ये इस तरह करके ना, यहाँ पे यहाँ से नीचे आ रहा होता है टेम्पोरेलस मसल, ठीक है। अब देखो ये मैंडिबल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, ये मैंडिबल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं एलिवेट द मैंडिबल करते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ यहाँ पे मीडियल लेटर टेरिगॉइड मसल मौजूद है, मीडियल लेटर टेम्पोरेलस मैसेटर मीडियल लेटर टेरिगॉइड, ये चार मसल है, ठीक है। नर्व स्प्लाइन की सबकी मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है। बाकी आप इसकी ब्रांचिंग मेन याद करनी हो तो मैसेटर के लिए मैसेटर नर्व है, टेम्पोरेलिस के लिए टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर है, ठीक है मैंडिबुलर नर्व सबकी, आप सिंपल लिख सकते हो। अब मैसेटर और टेम्पोरेलिस ऊपर पड़े हैं, ये एलिवेट करेंगे मैंडिबल, मीडियल भी इसको क्या करते हैं हमारे पास एलिवेट करता है। सिर्फ आपने याद करें, सब एलिवेट करते हैं, जो लेटर टेरिगॉइड है सिर्फ वो क्या करते हैं, मैंडिबल को डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से माउथ ओपन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये है डिप्रेसर, बाकी सारे एलिवेटर हैं। इसके अलावा सारे जो है ना प्रोट्रूड करते हैं मैंडिबल को ना आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये है हमारे पास मैंडिबल, इसको आगे की तरफ इसके प्रोट्यूजन करते हैं, देखो ना इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। इसको पीछे की तरफ जो है वो सिर्फ एक मसल करता है, वो है लेटर टेरिगॉइड। तो आप सब में लिखना एलिवेट मैंडिबल, सिर्फ एक के अलावा कौन सा हमारे पास एलिवेट नहीं करता,
ये लैटर टेरिकल ये डिप्रेस करते हैं। बाकी आपने सामने देखे प्रोट्यूजन करते हैं मैंडिबल के, सिर्फ एक के अलावा टेम्पोरलिस ओनली ये क्या करते हैं रिट्रैक्ट करता है, ठीक है, बाकी सारे प्रोट्यूड करते हैं, ये डिप्रेस करते हैं। तो ये आपने ये दो पॉइंट याद रखें, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये चैप्टर हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसी चैप्टर में आ जाते हैं क्वेश्चन, मैंडिबुलर जॉइंट कौन सा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये हमने सिंपल याद करने है, आसान सी है। ऊपर हमारे पास क्या होते हैं आर्टिकुलर फोसा होता है, मैंडिबुलर फोसा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं, उसके तीन पार्ट होते हैं, आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, इंटीरियरली मैंडिबुलर फोसा होता है, पोस्टीरियरली नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फिस। ये आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फिस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की कौन सी, सिर्फ एक हेड ऑफ मैंडिबुलर। अब इसके लिगामेंट जो है ना वो एक तो फाइब्रस कैप्सूल तो सामने होता है, जो भी हमारे पास कोंडाइलर जॉइंट वगैरह होते हैं इस तरह के सनोवियल, तो हमने इसके जो लिगामेंट याद करने के क्या तरीके का, आपने हक के साथ मैंडिबुलर लिगामेंट लगाने, किस तरह आपने लिखा है स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, टेरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। आपने सिर्फ ये SLP जो होता है ना M, ये आपने याद करना है, ऐसे स्फिनो मैंडिबुलर, L से लैटर टेम्पोरो मैंडिबुलर, टेरिगो मैंडिबुलर और ये स्टाइलो मैंडिबुलर। नर्व स्प्राइ की बात करें तो ये हमें पता है बिल्कुल आसान है, हमने रटन ही लगानी है, हमें पता है यहाँ पे कौन सी होती है मैक्सिलरी आर्टरी होती है, ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है, यहाँ इस तरह पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है फेस के, यहाँ मैक्सिलरी आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये इसको सप्लाई करेंगी क्योंकि ये बिल्कुल इसके करीब है, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो वेन है वो भी इसी नेम से होंगे, ठीक है। अब नर्व की सप्लाई करें तो हमारे पास नर्व सप्लाई कौन सी होती है, हमारे पास आर्टिक्यूलो टेम्पोरल मैंडिबुलर नर्व, वो भी आसान ही है क्योंकि इसी रीजन में हमने पढ़ा था, कान के बिल्कुल सामने जाते हैं आर्टिक्यूलो टेम्पोरल नर्व और यहाँ पे हमारे पास होते हैं मैंडिबुलर नर्व, तो ये मैंडिबुलर नर्व और आर्टिक्यूलो टेम्पोरल नर्व इसको सप्लाई करेंगे मैक्सिलरी, और हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल इसको सप्लाई करेंगे आर्टरी, ठीक है। अब हम बात करें मैंडिबुलर नर्व की डिवीजन की। अब मैंडिबुलर नर्व जो होती है ये सेंसरी भी होती है और मोटर दोनों फंक्शन करती है, ठीक है। ब्रांचेज इसकी हमारे पास कितनी होती हैं, तीन पार्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। मेन ट्रंक से एक ब्रांचेज निकलती हैं दो, मिनिंजियल एंड मिडल टेरिकोई। इसको याद करने का तरीका क्या है, MMBM, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक आसान सा बताता हूँ, आपने याद करना MB, कहते हैं MB बड़े लो आ रहे हैं, किसके, अली अली के जो MB है उसके बारे में हम, लेकिन हमने लिखना 3MB अली, ठीक है। किस तरह 3M कौन से है हमारे पास, पहले M से मिनिंजियल ब्रांच, फिर M से हमारे पास कौन सी आ गई मिडल टेरिकॉइड, फिर हमारे पास तीसरे M से कौन सी आ जाएगी मैसेटर ब्रांच, और B से हमारे पास बक्कल ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। अब अली से पोस्टीरियर ट्रंक की बनेगी, ए से आर्टिक्यूलो टेम्पोरल, एल से लिंगुअल और आई से इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। तो यहाँ पे हमारे पास 3MB अली से हमने ये याद कर लिया, ठीक है। बाकी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये हाँ ये हमारा मैक्सिलरी आर्टरी रहता है, सॉरी मैक्सिलरी आर्टरी जो है ना हमारे पास नेक ऑफ मैंडिबल में ये बनती है, नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है, एंगल ऑफ मैंडिबल नहीं है, नेक ऑफ मैंडिबल याद रखें। इसके हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन पार्ट की हमने ब्रांचेस सिंपली पूछ रहे थे कौन सी, तो इसका निमोनिक है मायदा PMBD पिग पॉस, मायदा कोई लड़की के नाम है, PMBD प्राइम मिनिस्टर बीडी साहब पिग पॉस, इस तरह से हमने याद कर लें। एम से मिडल मिनिंजियल आर्टरी, ए से इंटीरियर टेम्पेनिक, आई से इन्फीरियर एल्वियोलर, डी से डीप आर्टिकुलर, ए से हमारे पास असेसरी मिनिंजियल, पी से टेरिकॉइड, एम से मैसेटर, बी से बक्कल, डी से डीप टेम्पोरल, पी से फिर पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ठीक है, फिर हमारे पास आई से इन्फ्रा ऑर्बिटल, जी से हमारे पास क्या है ग्रेटर पैलेटाइन, पी से फ्रिंजल, ए से आर्टी ऑफ टेरिकॉइडिकुलर और एस से स्फीनो पैलेटाइन आर्टी। ये आपने एक मतलब आप खुद इसको लिख लेंगे ना इस तरह करके, तो फिर आपको ये नहीं भूलेगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया 7, इसके बाद 7-8 चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।